अनुराग फिर यक्षिणी से पूछता है, किसने यक्षिणी, किसने छीना तुमसे तुम्हारा ताज, बताओ मुझे। यक्षिणी एक दर्द भरे लहजे में अनुराग से कहती है, उस कपटी अघोरी ने। अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी से पूछता है, अघोरी ने, कौन अघोरी यक्षिणी? अनुराग मन ही मन सोचने लग जाता है, अब ये यक्षिणी की कहानी में एक और नया किरदार अघोरी कौन आ गया? यक्षिणी कहती है, लेखक बाबू, अघोरी मेरी कहानी का कोई नया किरदार नहीं है, बल्कि मेरी सदियों से चली आ रही कहानी में से ही एक सबसे पुराना किरदार है, जिसने मुझसे मेरी शक्तियां पाने के लिए मेरा ताज तो छीना ही, साथ ही मेरे सारे आभूषण भी छीन लिए। तब से लेकर आज तक मैंने अपने बदन पर एक गहना नहीं पहना है। अनुराग जितना ये बात जानकर शौक था कि क्यों यक्षिणी के बदन पर एक भी गहना नहीं था, उससे ज्यादा शौक इस बात से था कि आखिर यक्षिणी को उसके मन में चल रहे सवाल के बारे में कैसे पता चल गया था, कैसे वो उसके मन की बातें भी जान पा रही थी। अनुराग यक्षिणी को एकटक नजर से देखते हुए उससे पूछ पड़ता है, कैसे यक्षिणी, कैसे उस अघोरी ने तुमसे तुम्हारा ताज छीन लिया, बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ, मैं उस अघोरी के बारे में भी सब कुछ जानना चाहता हूँ। अनुराग का यह सवाल सुनकर यक्षिणी मन ही मन मुस्कुरा देती है, जैसे वो खुद आज रात अनुराग को अघोरी और उसकी दास्ता सुनाने के मन से वहां पर आई हो। यक्षिणी अनुराग से कहती है, लेखक बाबू, इस दुनिया में जितनी भी लौकिक अलौकिक शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों के रहने की एक जगह होती है, एक घर होता है, जैसे आप इंसानों का होता है। और मेरे पास जो दैवीय शक्तियां थी, उनका घर था मेरा ताज। मेरे ताज में एक लाल हीरा लगा हुआ था, उसी के अंदर मेरी सारी दैवीय शक्तियां समाहित थी, और ये बात उस अघोरी को पता थी। उसे पता था कि कामेश्वरी यक्षिणी की सारी दैवीय शक्तियां उसके ताज में लगे लाल हीरे के अंदर थी, और वो उसी को पाना चाहता था, पर उससे पहले वो भी बाकी मर्दों की तरह मेरे साथ रात बिताना चाहता था। अनुराग बड़े गौर से यक्षिणी की सारी बातें सुनता जा रहा था। यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, वो अघोरी काफी चतुर तो था ही, साथ में तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी था। उसी से उसने ग्रेवयार्ड कोठी का नक्शा बनाया था, और उसे ये बात भी पता चल गई थी कि ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर एक कमरा है जहां पर। यक्षिणी इसके आगे कुछ कहने ही वाली थी कि वो खुद चुप हो जाती है। अनुराग तुरंत यक्षिणी से बोल पड़ता है, क्या हुआ यक्षिणी, तुम चुप क्यों हो गई? यक्षिणी कहती है, आपको मेरी सारी बातें याद तो रहेंगी ना लेखक बाबू, आप कागज कलम अपने हाथ में रख लीजिए, मैं जो जो बातें बताते जा रही हूँ सारी बातें लिखते रहिए, ताकि आप कुछ भूले ना। अनुराग कहता है, मुझे कागज और कलम की कोई जरूरत नहीं यक्षिणी, तुम्हारे लबों से निकला हुआ मुझे हर एक लफ्ज याद है, मैं उन लफ्जों को कभी नहीं भूल सकता, तुम बस बोलते जाओ, कहानी लिखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। यक्षिणी अभी भी खामोश रहती है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, अघोरी की कहानी जारी रखो यक्षिणी, बताओ मुझे उस अघोरी को अपने तंत्र मंत्र से ग्रेवयार्ड कोठी के किस कमरे के बारे में पता चला था, आखिर क्या था उस कमरे में? यक्षिणी अभी भी अनुराग को टालते हुए कहती है, मैं ना लेखक बाबू आपको शुरू से सब कुछ बताती हूँ, तब आपको लिखने में आसानी होगी, आप सब कुछ व्यवस्थित तरीके से लिख पाएंगे। वैसे भी कहानियों को शुरू से ही सुनना चाहिए, बीच से सुनाओ तो कुछ समझ में नहीं आता है, आप तो खुद एक लेखक हैं, इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। अनुराग पलटकर कुछ नहीं कहता है, उसे यक्षिणी की बात बिल्कुल ठीक ही लगती है। यक्षिणी अनुराग को अघोरी के बारे में सब कुछ शुरू से बताने लग जाती है। यक्षिणी अनुराग को बताती है कि किस तरह अघोरी अपनी तंत्र साधनाओं को करने के लिए शमशान खोजते खोजते एक बार अमावस्या की रात रोंकामुचा घाट पर पहुंच गया था, और उसने यक्षिणी को किसी मर्द का शिकार करते हुए देख लिया था, और उसे देखते ही बाकी के मर्दों की तरह उसके हुस्न का दीवाना हो गया था, वो भी उसके साथ संभोग करने के लिए लालायित हो गया था। उसी की चाह में उसने रोंकामुचा गांव में हवेली के अंदर रहना शुरू कर दिया था, और हवेली के तहखाने में बैठे बैठे ही तंत्र साधना करनी शुरू कर दी थी, ताकि यक्षिणी को वहां पर बुला सके, पर नहीं बुला पाया था। कई बार नाकाम होने के बाद उसने एक ऐसी जगह तलाशी जहां पर वो साधना भी आराम से कर सकता था, साथ ही यक्षिणी को भी बुला सकता था। उसने मूर्ति साधना करी, यक्षिणी की मूर्ति बनानी शुरू कर दी। उसने लकड़ी की चार मूर्तियां बनाई, पर उनमें कुछ न कुछ कमी थी, इसलिए उनका उपयोग नहीं कर पाया, पर पांचवीं मूर्ति एकदम परफेक्ट बनाई थी, और उसकी मदद से उसने यक्षिणी को वहां पर बुला लिया, और उसके साथ संभोग करने के बहाने से उससे उसका ताज छीन लिया, और एक एक करके उसके सारे गहने भी उतरवा दिए, जो सीधे संदूक के अंदर जाते गए। जैसे जैसे यक्षिणी के गहने उस संदूक में जाते गए, वो साधारण सा संदूक अनंत संदूक में बदल गया। अघोरी ने ताज पर भभूत लगाते हुए ऐसा मंत्र पढ़ दिया था कि जिस कारण यक्षिणी अपने ताज को फिर दोबारा छू तक नहीं पाई।
उस रात अघोरी ने भले ही यक्षिणी से उसका ताज और सारे गहने छीन लिए थे, पर जीत यक्षिणी की ही हुई थी। आखिर में धूल अघोरी को ही चाटनी पड़ी थी। यक्षिणी ने अघोरी को श्राप दे दिया था, उसे कुत्ता बना दिया था। यक्षिणी अनुराग को सब बातें पूरी डिटेल्स के साथ बताते रहती है। यक्षिणी अनुराग को अघोरी के बारे में सब बातें बताती है, पर वो ग्रेवयार्ड कोठी के कमरे के बारे में और ब्लूप्रिंट के बारे में जो बात पहले बताने वाली थी वो वाली बात नहीं बताती है, जैसे वो खुद अनुराग से कुछ बातें राज रखना चाहती हो। वो नहीं चाहती थी कि अनुराग को उन बातों के बारे में पता चले। हमारी जिंदगी और कहानियों में कुछ बातें हम हमेशा राज ही रखते हैं, वो किसी से नहीं कहते हैं, वही आज यक्षिणी भी कह रही थी। यक्षिणी अनुराग को अघोरी की कहानी इतने चाव के साथ सुनाती है कि अनुराग भी उससे ग्रेवयार्ड कोठी के उस कमरे के बारे में पूछना भूल जाता है, जिसके बारे में यक्षिणी उसे शुरुआत में ही बताने वाली थी। यक्षिणी सारी रात अनुराग को यक्षिणी की कहानी सुनाने में गुजार देती है। जैसे ही यक्षिणी को खिड़की से आसमान केसरिया होते हुए नजर आता है, वो समझ जाती है कि सुबह होने वाली थी। इस बात की भनक लगते ही यक्षिणी अघोरी की कहानी खत्म करने लग जाती है। यक्षिणी अपनी बात खत्म करते हुए कहती है, उस रात जब उस अघोरी ने मेरे अभिशाप के कारण मुझे कलंकित किया, मेरे चरित्र पर इल्जाम लगाए, तो क्रोध में आकर मैंने भी उसे श्राप दे दिया और कुत्ता बना दिया। अघोरी की कहानी सुनकर अनुराग की आंखों में गुस्सा भर गया था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। अनुराग अघोरी पर गुस्सा करते हुए ही उससे कहता है, तुमने तो उसे बस श्राप दिया यक्षिणी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस अघोरी को उसी वक्त मार देता। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे चरित्र पर इल्जाम लगाने की? तुम देवी हो यक्षिणी देवी, इस संसार में तुमसे पवित्र स्त्री कोई नहीं, जिसने समस्त लोग को बचाने के लिए अपनी आबरू को दांव पर लगा दिया। यक्षिणी अनुराग को देखते हुए नम आंखों के साथ कहती है, मुझे पता था लेखक बाबू, बस आप ही मेरी दास्तां समझ सकते हैं, मेरे दर्द को अपना बना सकते हैं। मैं सही थी लेखक बाबू, मैं सही थी। अनुराग भी यक्षिणी की आंखों में देखते हुए ही कहता है, तुम्हारे दर्द को मैं कैसे अपना नहीं बनाऊंगा यक्षिणी, तुमने भी तो मुझे अपना सब कुछ बनाया है ना, मुझे अपनी जिंदगी बनाई है, तो उस हिसाब से तुम्हारे सारे दर्द मेरे ही तो हुए ना। यक्षिणी बड़े प्यार मोहब्बत के साथ अनुराग को देखती रहती है। अगले ही पल अनुराग हड़बड़ाहट के साथ यक्षिणी से पूछता है, क्या वो अघोरी अभी भी कुत्ता बनकर ही भटक रहा है यक्षिणी? यक्षिणी जवाब देती है, हाँ लेखक बाबू, वो अघोरी आज भी काला कुत्ता बनकर ही भटक रहा है इसी गांव में। अनुराग फिर पूछ पड़ता है, तो क्या फिर उसे कभी उसके श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी? यक्षिणी अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मुक्ति तो सभी चीजों से एक ना एक दिन मिलनी ही है लेखक बाबू, फिर चाहे वो जीवन हो या फिर कोई श्राप, जब वक्त आएगा तब उस अघोरी को भी उसके श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अनुराग गुस्से के साथ बोल पड़ता है, नहीं, उस अघोरी को कभी श्राप से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, यूं ही कुत्ता बनकर भटकते रहना चाहिए। यक्षिणी खामोशी रहती है। अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हारा ताज कैसा दिखता था यक्षिणी, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? मुझे वो देखना है, मैं अपनी कहानी में उसके बारे में भी लिखना चाहता हूँ। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग से कहती है, हाँ क्यों नहीं लेखक बाबू, बस आप अपनी आंखें बंद कीजिए। यक्षिणी के ये कहते ही अनुराग अपनी आंखें बंद कर देता है। जैसे ही अनुराग अपनी आंखें बंद करता है, यक्षिणी अपनी उंगली अनुराग के माथे पर रखती है और अनुराग को यक्षिणी का चमचमाता हुआ ताज दिखाई देने लग जाता है, जिसके अंदर लाल हीरा लगा हुआ था जो उसकी शोभा को और बढ़ाते जा रहा था। यक्षिणी का ताज अनुराग को उतना ही अद्भुत लग रहा था जितना उसे ग्रेवयार्ड कोठी लगती थी। जैसे ही यक्षिणी अपनी उंगली अनुराग के माथे पर से वापस से हटाती है, अनुराग को ताज दिखना भी बंद हो जाता है। अनुराग तुरंत अपनी आंखें खोलकर यक्षिणी से हड़बड़ाहट के साथ पूछ पड़ता है, तुम्हारा ताज कहाँ पर है यक्षिणी अब? यक्षिणी मायूसी के साथ कहती है, मुझे नहीं पता लेखक बाबू कि मेरा ताज कहाँ पर है। मैंने आपको बताया था ना कि उस रात उस अघोरी ने मेरे ताज पर एक ऐसा मंत्र पढ़ा था भभूत लगाकर, कि फिर मैं दोबारा अपने ताज को हाथ ही नहीं लगा पाई। जब मैंने अघोरी को श्राप दिया तो उसी वक्त मेरा ताज भी लुप्त हो गया था। वो कहाँ चला गया था मुझे खुद नहीं पता चला, आज तक मैं उसे नहीं ढूंढ पाई हूँ। अनुराग यक्षिणी की बेबसी को समझते हुए कहता है, अब मुझे पता चल गया यक्षिणी कि क्यों तुम कोई गहना पहनती नहीं हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा ताज ही तुम्हारा सबसे अनमोल गहना था ना, तुम तब तक कोई गहना धारण नहीं करोगी जब तक तुम्हें तुम्हारा ताज नहीं मिल जाएगा, है ना? तुम्हें गहनों के साथ पूरे श्रृंगार रूप में देखने के लिए मैं तुम्हारा ताज ढूंढ कर लाऊंगा यक्षिणी, तुम फिक्र मत करो यक्षिणी, मैं तुम्हारा ताज ढूंढ कर जरूर लाऊंगा,
चाहे कुछ भी हो जाए। अनुराग के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर यक्षिणी की आंखें भर आई थी। यक्षिणी को खुद नहीं पता चला था कि अनुराग कैसे उससे इतनी मोहब्बत करने लग गया था कि उसके लिए उसका ताज ढूंढने के लिए तैयार हो गया था, जिसे इतने सालों से यक्षिणी खुद नहीं ढूंढ पाई थी। यक्षिणी नम आंखों के साथ ही अनुराग को देखते हुए कहती है, नहीं लेखक बाबू, आपको मेरा ताज ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, आप अपनी कहानियों पर ध्यान दीजिए। रही मेरे ताज और गहनों की बात, तो मेरे लिए तो मेरा सबसे अनमोल और कीमती गहना आप हो। मुझे आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यक्षिणी के मुंह से ये बात सुनकर अनुराग यक्षिणी को अपने बाहों में भरने लग जाता है। यक्षिणी भी अनुराग से लिपट जाती है और आंसू बहाना शुरू कर देती है। उसे पता चल गया था कि जितना प्रेम अनुराग उससे करता था उतना कोई नहीं कर सकता था। अभी अनुराग और यक्षिणी एक दूसरे के आलिंगन में ही थे कि तभी यक्षिणी की खिड़की पर नजरें पड़ती हैं और वो देखती है कि खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आने लग गई थी। यक्षिणी अनुराग को अपने बदन से दूर करते हुए कहती है, अब मुझे जाना होगा लेखक बापू, मुझे जाना होगा। अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी से पूछता है, जाना होगा, पर कहां यक्षिणी? अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी से पूछता है, जाना होगा पर कहां यक्षिणी? यक्षिणी अनुराग के सवालों को अनसुना करते हुए कहती है, मुझे जाना होगा लेखक बाबू, आज देर नहीं होनी चाहिए। अनुराग यक्षिणी से कुछ नाराजगी के साथ कहता है, जाना होगा पर कहां यक्षिणी, तुम कुछ बताओगी? तुम कल भी बिना बताए चली गई थी और फिर सीधे रात में लौटी हो। यक्षिणी अनुराग के सवालों को टालने के मन से कहती है, मैं रात में फिर आ जाऊंगी लेखक बाबू, पर अभी आप मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, पर मेरी कहानी का क्या यक्षिणी? कहानी लिखने के लिए मेरा भक्षानर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में अभी तक तुमने मुझे कुछ नहीं बताया है, तुम अपना बिसाहा कैसे भूल सकती हो? यक्षिणी अनुराग को समझाते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ लेखक बाबू, मुझे सब कुछ याद है, बस अभी मुझे जाना होगा, रात को मैं फिर आती हूँ ना आपको आगे की कहानी सुनाने के लिए। आखिर रात कहानी सुनाने के लिए तो होती है। अनुराग यक्षिणी पर दबाव बनाते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, पहले तुम मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो और क्यों, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि तुम मुझे तन्हा छोड़कर जा रही हो? यक्षिणी खामोश रहती है। अनुराग से अपनी नजरें चुराने लग जाती है, उसके सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है। अनुराग नर्म लहजे के साथ उस पर अपना हक जताते हुए कहता है, यक्षिणी तुम प्यार करती हो ना मुझसे, अपना प्रेमी, अपना ईश्वर, अपना सब कुछ कहती हो ना मुझे, तो तुम मुझसे बातें छिपाओगी? तुम जानती हो ना एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच कोई राज की बात नहीं होती है, बताओ मुझे तुम कहां जा रही हो? अनुराग ने ये बात कहकर यक्षिणी को पूरी तरह इमोशनल कर दिया था। यक्षिणी उसके जज्बातों के साथ बह जाती है और बोल पड़ती है, मैं शक्ति पूर्ण गठन करने जा रही हूँ लेखक बाबू। अनुराग अपनी दोनों भवें एक साथ उठाते हुए कहता है, क्या कहा, शक्ति पूर्ण गठन? यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ लेखक बाबू, शक्ति पूर्ण गठन। अनुराग खामोश रहता है, उसे अभी भी यक्षिणी की बात समझ नहीं आई थी कि वो उसे क्या समझाना चाहती थी। यक्षिणी अनुराग को समझाते हुए कहती है, आपको तो मैं अपने अभिशाप के बारे में सब कुछ बता ही चुकी हूँ लेखक बाबू, कि मुझे हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात मर्द को अपना शिकार बनाकर उसके दिल का भोग लगाना पड़ता है, तभी मेरे अंदर की डायन शांत होती है, पर इस बार मैंने कोई भोग नहीं लगाया है जिसके कारण मेरा रूप तो क्षीण हो ही रहा है, साथ में मेरी शक्तियां भी कमजोर हो रही हैं। अनुराग तुरंत यक्षिणी को बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, पर यक्षिणी मुझे तो तुम्हारा रूप क्षीण होते हुए नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझे तो तुम दिन ब दिन सुंदर लगती जा रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा सौंदर्य रोज बढ़ते जा रहा हो। यक्षिणी कहती है, क्योंकि लेखक बाबू आप मुझसे प्रेम करते हैं ना कि मेरे रूप से, और प्यार में पड़े इंसान को हर चीज सुंदर ही लगती है, अपनी शक्ति और रूप को कमजोर होते हुए बस मैं महसूस कर सकती हूँ, वो इस तरह देखने से समझ में नहीं आती है। अनुराग चुप खड़ा रहता है, खामोशी के साथ यक्षिणी की सारी बातें सुनता रहता है। यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, पूर्णिमा आने तक मुझे हर दिन शक्ति पूर्ण गठन साधना करनी पड़ेगी, वरना मेरी शक्तियां और रूप दोनों क्षीण हो जाएगा, मुझे जाना होगा लेखक बाबू, अब मुझे जाना होगा, साधना शुरू करने का वक्त हो गया है। अनुराग खामोश खड़ा रहता है, वो चाहते हुए भी यक्षिणी को रोक नहीं सकता था।
वो जान गया था कि यक्षिणी का जाना बहुत जरूरी है। वो उसे कमजोर होते हुए नहीं देख सकता था। यक्षिणी नम आंखों के साथ अनुराग को देखते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ लेखक बाबू, पर आप चिंता मत करिए, मैं रात को आपके पास वापस आ जाऊंगी आपको कहानी सुनाने के लिए। अनुराग भी यक्षिणी को एकटक नजर से देखते हुए नम लहजे के साथ कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा यक्षिणी। यक्षिणी खामोशी के साथ ही नम आंखों के साथ वहां से चली जाती है। यक्षिणी के जाते ही अनुराग का सिर भारी होने लग जाता है। रात भर जगने के कारण उसकी आंखें भारी होने लग गई थी, उनमें नींद समाने लग गई थी। अनुराग उसी वक्त बेड के पास जाता है और जैसे ही उस पर लेटता है गहरी नींद में सो जाता है। सोते वक्त उसे सपनों में अघोरी और यक्षिणी दिखाई देते हैं और उसके सपने में वही कहानी चलने लग जाती है जो रात को यक्षिणी ने उसे सुनाई थी। शाम हो गई थी और प्रशांत अपनी दुकान पर चाय बना रहा था। प्रशांत की पत्नी पाउली वहीं पर थी जो अपनी गोद में बिंदु को पकड़े हुए थी। प्रशांत चाय बनाते हुए भी किसी सोच में खोया हुआ लग रहा था। वो जब से ग्रेवयार्ड कोठी से लौटा था उसके कानों में तब से पायल बजने की आवाज गूंज रही थी। वो यही सोच रहा था कि आखिर ग्रेवयार्ड कोठी के किचन के अंदर था कौन, क्यों उसे अनुराग ने वहां पर जाने से रोका था। प्रशांत इन सब बातों में इतना खो गया था कि उसका चाय पर ध्यान ही नहीं था। चाय में उबाल आने लग गया था और वो नीचे गिरने वाली थी। जब पाउली की नजर चाय की गंजी पर पड़ती है तो वो तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाती है और गैस को बंद करते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं जी, आपका ध्यान कहाँ पर है, अभी पूरी चाय गंजी से नीचे गिर जाती। प्रशांत अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, वो बस पाउली। इतना कहकर प्रशांत खुद चुप हो जाता है। पाउली प्रशांत पर चिढ़ते हुए कहती है, पता नहीं कहाँ ध्यान है आपका, आज जो भी काम कर रहे हैं सब गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि आप उस मनहूस ग्रेवयार्ड कोठी में मत जाइए, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। जब से ग्रेवयार्ड कोठी से लौट कर आए हैं पता नहीं क्या हो गया है आपको, किसी काम में आपका मन ही नहीं लग रहा है, सारे काम बिगाड़े जा रहे हैं आप। पाउली की बात सुनकर प्रशांत मन ही मन सोचने लग जाता है, अब मैं पाउली को क्या बताऊं कि मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ। अगर मैंने पाउली को वो पायल वाली बात बता दी तो फिर तो पाउली मुझे कभी दोबारा ग्रेवयार्ड कोठी जाने ही नहीं देगी, अपनी कसम देकर रोक लेगी। और यदि ऐसा हो गया तो फिर मैं कभी लेखक बाबू की लिखी कहानियां नहीं पढ़ पाऊंगा। नहीं नहीं, मैं पाउली को वो पायल वाली बात नहीं बता सकता। प्रशांत मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी पाउली मुंह बनाते हुए बोल पड़ती है, लो आ गए तुम्हारे लेखक बाबू, अब पता नहीं क्यों आए हैं। प्रशांत पाउली पर चिढ़ते हुए कहता है, पाउली ऐसा नहीं कहते हैं, तुम भी ना कुछ के कुछ बोल देती हो, तुम ना अंदर जाओ। पाउली कहती है, हाँ हाँ जा रही हूँ अंदर, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे लेखक बाबू से बात करने का। बड़े आए लेखक, लिखना तो कुछ आता नहीं होगा, चले हैं लेखक बनने के लिए। इतना कहकर पाउली खुद घर के अंदर चली जाती है जिसका दरवाजा दुकान के अंदर से ही था। अनुराग को देखकर प्रशांत मन में सोचने लग जाता है, ये लेखक बाबू यहाँ पर कैसे, इन्हें तो मैंने कभी शाम के वक्त बाहर घूमते हुए नहीं देखा, आज क्या काम पड़ गया। अनुराग बड़ा खुश नजर आ रहा था, उसने अपने हाथ में कुछ कागज पकड़े हुए थे, वही लेकर वो प्रशांत की तरफ आगे बढ़ते जा रहा था। अनुराग प्रशांत के पास जाते हुए मुस्कुराते हुए बोल पड़ता है, कैसे हो प्रशांत। प्रशांत मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए लेखक बाबू कैसे आना हुआ आपका। अनुराग प्रशांत के साथ मजाक करते हुए कहता है, क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या, क्या बस तुम ही मेरी ग्रेवयार्ड कोठी आ सकते हो। प्रशांत हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, अरे नहीं नहीं लेखक बाबू, क्यों नहीं आ सकते, आप ही की तो दुकान है, वो तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। वो क्या है ना, कभी आपको शाम के वक्त घूमते हुए नहीं देखा ना, तो मुझे लगा कोई जरूरी काम ना हो। अनुराग कहता है, जरूरी काम तो था, उसी के लिए तो आना पड़ा। प्रशांत तुरंत पूछ पड़ता है, जरूरी काम, कैसा जरूरी काम। अनुराग जवाब देता है, वादा निभाने का काम। प्रशांत मुंह बनाते हुए कहता है, वादा, कैसा वादा लेखक बाबू। अनुराग कहता है, ये सही है, पहले वादा भी खुद मांगो और भूल भी खुद जाओ। तुम भले ही भूल गए प्रशांत, पर मैंने कहा था ना मैं अपने किए हुए वादे कभी नहीं भूलता हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे, जब भी मैं यक्षिणी की कहानी के बारे में कुछ भी लिखूंगा तो सबसे पहले तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगा। इतना कहने के बाद अनुराग ने अपने हाथ में जिन कागजों को पकड़े हुए था उन कागजों को प्रशांत के हाथ में थमाते हुए कहता है, तो ये लो, मैंने यक्षिणी की कहानी का पहला चैप्टर लिख लिया है जिसे अपने वादे के मुताबिक मैं सबसे पहले पढ़ने के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। जब प्रशांत अनुराग के मुंह से ये बात सुनता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाता है, वो तुरंत उन कागजों को थाम लेता है। अनुराग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है,
ये यक्षिणी की कहानी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है यक्षिणी क्या है। प्रशांत अनुराग को एकटक नजरों से देखते हुए पूछता है, क्या है यक्षिणी? अनुराग अपनी आंखों से स्क्रिप्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ में स्क्रिप्ट है, तुम खुद ही पढ़ लो क्या है यक्षिणी। जैसे अनुराग ये बात बोलता है, प्रशांत अपने सारे काम छोड़कर यक्षिणी की कहानी का पहला चैप्टर पढ़ने लग जाता है, जिसका टाइटल था यक्षिणी एक डायन, और उसी के जस्ट नीचे लिखा था अध्याय एक, यक्षिणी क्या है। प्रशांत उस स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे, जैसे वो कोई सी ऐसी चीज पढ़ रहा हो जिसके बारे में उसने पहली बार पढ़ा हो, उसे भी उस चीज का पहली बार पता चल रहा हो। उस स्क्रिप्ट के अंदर अनुराग ने सबसे पहले ये लिखा था कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था, ब्रह्मांड में जो 10 लोग हैं उनमें कौन कौन रहते हैं उनके बारे में लिखा हुआ था, साथ में यक्षिण लोग के बारे में भी लिखा हुआ था जिसमें यक्ष और यक्षिणी रहा करते थे। अनुराग ने उसमें अलग अलग यक्षिणियों और उनकी शक्तियों के बारे में भी बताया था। पढ़ते पढ़ते शाम से अंधेरा होने लग जाता है और रात हो जाती है। जब प्रशांत पूरी स्क्रिप्ट पढ़कर खत्म कर देता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। स्क्रिप्ट पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, वो एकटक नजर से अनुराग को घूरने लग गया था। जब प्रशांत कुछ नहीं कहता तो अनुराग ही बोल पड़ता है, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो प्रशांत, ये बताओ यक्षिणी एक डायन कहानी का पहला चैप्टर यक्षिणी क्या है कैसा लगा। प्रशांत अनुराग को एकटक नजरों से देखते हुए कहता है, लिखा तो आपने बहुत बढ़िया है लेखक बाबू, पर आपको इतना सब कुछ वो भी इतनी डिटेल्स के साथ कैसे पता है? ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड का निर्माण जब हो रहा था तब आपकी आंखों के सामने हुआ था। अनुराग खुश होते हुए कहता है, यही तो खासियत है मेरे लेखन की प्रशांत, मैं कहानियों को ना अपनी असल जिंदगी की तरह देखता हूँ, उन्हें अपनी असल जिंदगी से जोड़ देता हूँ, तभी कहानी हमें असली लगती है। प्रशांत फिर पूछ पड़ता है, लेखक बाबू अगर आप अपनी कहानी में सब कुछ सच लिखते हैं तो फिर आपने इसमें झूठ क्यों लिखा? अनुराग हैरानी के साथ प्रशांत से पूछता है, मैंने क्या झूठ लिखा है? प्रशांत कहता है, ब्रह्मांड में उपस्थित लोगों के बारे में, सभी धर्म शास्त्रों में बस 10 लोग के बारे में बताया गया है, जिनमें सत्य लोक, तपो लोक, जन लोक, महर लोक, स्वर्ग लोक, भुवर लोक, ध्रुव लोक, सप्त ऋषि, भूलोक और पाताल लोक है। आपने ये कौन सा एक नया लोक बना दिया, यक्षिण लोक? अनुराग अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, जैसे बाकी के लोग होते हैं वैसे ही यक्षिण लोग भी होता है प्रशांत। प्रशांत पलट कर कहता है, नहीं लेखक बाबू ऐसा कोई लोक नहीं होता है, मैंने तो कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा इस लोक के बारे में। प्रशांत की यह बात सुनकर अनुराग को गुस्सा आने लग जाता है, पर फिर भी वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहता है, मैंने कहा ना ऐसा लोक होता है। प्रशांत भी अपनी बात पर अड़ते हुए कहता है, नहीं लेखक बाबू ऐसा कोई लोक नहीं होता है, आप झूठ बोल रहे हैं। अनुराग अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यक्षिण लोक सच में होता है। प्रशांत पलट कर कहता है, मैं कैसे मान लूं लेखक बाबू कि आप सच कह रहे हैं। अनुराग अपना आपा खो बैठता है और गुस्से गुस्से में बोल पड़ता है, क्योंकि ये बात मुझे खुद यक्षिणी ने बताई है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।